सो गाइज, मोटोरोला इंडिया में अपने तीन नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, मोटो एस 30 फ्यूजन, मोटो एस 30 अल्ट्रा एंड मोटो एस 30 नियो। और बेसिकली तीनों ही स्मार्टफोन अपने प्राइस ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग फीचर्स के साथ आते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग मोटो एस 30 अल्ट्रा स्मार्टफोन के सभी कन्फर्म डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, सो देट आपको मेरे वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलते रहे। सबसे पहले दोस्तों, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मोटोरोला एस 30 अल्ट्रा स्मार्टफोन में आपको राउंडेड मेटल फ्रेम मिलता है। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे ग्लास दिया गया है और लुक्स वाइज भी इस बार मोटोरोला ने काफी प्रीमियम स्मार्टफोन बनाया है एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफी सॉलिड रहती है। एंड अब हम लोग आते हैं डिस्प्ले की तरफ और मोटोरोला एस 30 अल्ट्रा स्मार्टफोन 6.7 इंचेस की एक बड़ी फुल एचडी प्लस कर्व 10 बिट पीओएलईडी डिस्प्ले कैरी करता है और इसमें HDR 10 प्लस सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। साथ में 1250 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो नो डाउट डिस्प्ले की क्वालिटी ब्राइटनेस काफी अमेजिंग रहती है। इवन दोस्तों, इस स्मार्टफोन में 144 हर्ट्ज की हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दिया गया है। साथ में फ्रेंड्स, मोटोरोला स्मार्टफोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑफर करता है। सेकेंड कैमरास की बात करें तो गाइज, मोटोरोला एस 30 अल्ट्रा स्मार्टफोन में काफी प्रीमियम ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है और यहाँ पर प्राइमरी फंक्शनल कैमरा 200 मेगापिक्सल का दिया गया है और ये वर्ल्ड में पहला स्मार्टफोन रहता है जहां पर फ्रेंड्स 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। बाकी फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है जिसे आप एज मैक्रो शूटर भी यूज कर पाओगे। बाकी थर्ड यहां पर 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है जिसमें फ्रेंड्स 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट मिलता है और इसमें OIS का सपोर्ट भी दिया गया है। साथ में आप इस स्मार्टफोन के रियर कैमरा से 8K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फ्रंट की बात करें तो यहां पर फ्रेंड्स 60 मेगापिक्सल का एक सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके दोस्तों, मोटोरोला एस 30 अल्ट्रा स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स कॉलकॉम का लेटेस्ट कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि फ्रेंड्स एंड्रॉइड का फ्लेक्सिबल प्रोसेसर है और यहाँ पर हमें 4nm फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो ये वाला चिपसेट काफी बैटरी एफिशिएंट रहता है और इसे TSMC ने मैन्युफैक्चर किया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हीटिंग इश्यूज भी इतने देखने को नहीं मिलते हैं। ओवरऑल फ्रेंड्स, आपको मोटोरोला एस 30 अल्ट्रा स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस टॉप नॉच देखने को मिलेगी। साथ में स्मार्टफोन में LPDDR बेस्ट 5 रैम सपोर्ट और UFS बेस्ट 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट भी दिया गया है। और गाइस, इस स्मार्टफोन में मोटोरोला ने पावर वाले डिपार्टमेंट को भी क्रेजी तरीके से बूस्ट कर दिया है बिकॉज इस स्मार्टफोन में 4600mAh की डिसेंट बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स, चार्जिंग के लिए यहाँ पर 125W की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे दिया गया है एंड मोटोरोला का क्लेम है कि फ्रेंड्स इससे ये वाला स्मार्टफोन 19 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा। वैसे दोस्तों, 8th of September इस स्मार्टफोन की कन्फर्म इंडिया लॉन्च डेट बताई जा रही है और इंडियन मार्केट में मोटोरोला एस 30 अल्ट्रा स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB 128GB आपको 50,000 के ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल गाइस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मोटोरोला एस 30 अल्ट्रा स्मार्टफोन के रिगार्डिंग। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डेली ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।